अभी बचे हुए चावलों की नई तरह से रेसिपी बनाइए फ्रेंड्स। हमेशा फ्राइड राइस तो बना लिए होंगे क्योंकि वो हमेशा बॉईल वाले जीरा वाले राइस होते हैं, लेकिन अगर हमारे चावल ही पहले से मसाले वाले बने हुए हों तो उनका क्या बनाया जाए। बचे हुए चावलों की एकदम मज़ेदार मैं नाश्ता बनाऊंगी, जो मज़े से खाएंगे चट करके और दूसरे दिन भी इसी की डिमांड करेंगे कि इतना मज़ेदार टेस्टी बनेगा। तो मैंने सारे एक बाउल चावल थे उन्हें मैंने मिक्सी के जार में डाल दिया और यहाँ पर एक बाउल ही मैंने सूजी ली है। सूजी को ऐड कर देंगे हम हमारे मिक्सी के जार में साथ ही में। सूजी आप मोटी बारीक कोई सी भी हो वो आप ले सकते हो, और बस चावलों के साथ हमारी सूजी को ऐड करना है हमें और इसमें डालना है टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। बस अभी इसमें नमक ही ऐड करेंगे, कोई और मैं मसालों का यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि हमारे चावल जो थे वो ऑलरेडी मसाले वाले बने हुए थे। तो बस थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसको एक पेस्ट की तरह बना लेंगे। सूजी और चावलों को अच्छी तरह से पीस लेंगे, चेक कर लेंगे चावल इसमें कुछ साबुत तो नहीं रह गए, तो दोबारा से चलाकर इसे एकदम फाइन बना लेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। और बस अब एक मिक्सिंग बाउल लिया है मैंने और इसमें हम इसे ट्रांसफ़र कर देंगे हमारे सारे इस बैटर को, और इसे अभी ढककर रेस्ट के लिए छोड़ दूंगी 10 से 15 मिनट के लिए, इसे कवर करके ताकि सूजी हमारी अच्छे से फूल जाए। ये देख लीजिए इसकी कंसिस्टेंसी अभी ये ऐसा है। अब इसे कवर करके रख देंगे हम और आगे की तैयारी करते हैं जब तक। तो फिर से मैंने गैस पे रख दिया एक पैन और उसके अंदर डाल रही हूँ थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल 2 छोटे चम्मच के करीब, और इसमें जाएंगे अब हमारे मसाले। यहाँ पे साबुत मसालों का यूज़ कर रही हूँ, 1/2 चम्मच साबुत धनिया, 1/2 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच ही कलौंजी, 1/2 चम्मच राई के दाने, थोड़े से कड़ी पत्ता, और बस इन्हें ऐड करके थोड़ा सा होने देंगे। और जब ये थोड़े से हो जाएंगे 2 से 3 सेकंड में ही, तो इसमें ऐड करेंगे हम हमारी बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, शिमला मिर्च। वेजेस की इसमें कोई लिमिट नहीं है, आप जितनी चाहें इसमें वेजेस ऐड कर सकते हैं जो जो आपको पसंद हो। मेरे पास जो इस वक्त अवेलेबल थी मैंने वो ही सारी वेजेस इसमें ऐड कर दिए, शिमला मिर्च, गाजर, कद्दूकस की हुई, और यहाँ पर ये चुकंदर था इसे भी मैंने कद्दूकस करके सबको ऐड कर दिया, और इन्हें हल्का हल्का सा सॉटे करेंगे कुछ सेकेंड के लिए। फ्रेंड्स इतना लाजवाब टेस्टी हमारे बचे हुए चावलों से ये नाश्ता बनने वाला है। एक बार इसे बना लेंगे ना तो हर बार सोचेंगे कि ऐसा ही नाश्ता बनाया जाए। इसे आप लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं बच्चों के रख के, और ख़ुद भी अगर ऑफिस जाते हो तो अपने टिफ़िन में भी रख के ले जा सकते हैं। थोड़ा सा इसमें धनिया पत्ती डालेंगे, और यहाँ पर 2 बॉइल्ड हुए आलू थे ये मैं हाथ से ही क्रश करते हुए हम इसमें आलू भी ऐड कर देंगे। आलू से हमारा नाश्ते का टेस्ट भी बढ़ जाएगा, बहुत मज़ा आने वाला है इस नाश्ते को बनाने में, सच में बहुत टेस्टी बनेगा। और फ्रेंड्स मैं आपको फिर से याद दिला दूं, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ नीचे लाइक का बटन दिया हुआ है लाइक कर सकते हैं, और नहीं पसंद आती है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। अगर पसंद आती है तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स आलू डालने के बाद इसमें हम मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक रखा है थोड़ा सा, क्योंकि नमक हमने अपने बैटर में भी सूजी के चावल के में डाला हुआ था, तो नमक हिसाब से डालेंगे। तो नमक डालने के बाद हमारी ये वेजेस थोड़ी रख दी है मैंने ठंडी होने के लिए अच्छे से मिक्स करके, और यहाँ पे ये देखिए हमारी सूजी का बैटर भी थोड़ा सा फूल के और गाढ़ा सा हो गया है। अब हम इसका क्या करेंगे, इसमें ऐड करना है अभी हमें थोड़ा सा इसको रिएक्ट देने के लिए, इसको फ्लफी बनाने के लिए थोड़ा सा इसमें हम ये मीठा सोडा ऐड कर रही हूँ मैं यहाँ पे, ये बेकिंग सोडा 1 पिंच के करीब, और इसे डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये थोड़ा सा गाढ़ा है बैटर क्योंकि हमें अभी इसे थोड़ा सा पतला करना है, तो थोड़ा सा इसमें मैं पानी भी ऐड करूँगी क्योंकि जिस तरह का मुझे ये चाहिए ये अभी वैसा नहीं है, थोड़ा सा गाढ़ा है, तो थोड़ा सा ही पानी डालेंगे और मिक्स करने के बाद देख लेंगे, अगर आपको ये फिर गाढ़ा लगे तो आप इसमें और पानी डाल सकते हो। तो इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद ये देखिए एकदम बिल्कुल परफेक्ट ये हो चुका है, मुझे इसी तरह का ये चाहिए था। अब इसका यूज़ हम करेंगे, ये देखिए मैं आपको थोड़ा पास से भी दिखा रही हूँ, इस तरह का ये होना चाहिए। अगर बनाते बनाते आपकी रेसिपी ये थोड़ा सा गाढ़ा होने लगे ना तो फ्रेंड्स आप इसमें फिर से और थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे थोड़ा सा लूज़ कर सकते हो,
और यहाँ पे पैन में मैंने हल्का सा ऑयल डालकर उसे पैन को अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लिया। और अब ये हमारा बैटर हम इसमें ऐड करेंगे और ये देखिए इसे अच्छे से फैला लेंगे हम हमारे पैन के अंदर। साइज आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, जितना बड़ा चाहते हैं उतना बड़ा फैलाइए। यहाँ पे 2 चम्मच बैटर डालने के बाद मैंने इसे फैला लिया। ये इस तरह का रोटी जितना बड़ा बन गया, रोटी से भी थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे हम इसे। अच्छे से फैला लेना है इसे अच्छी तरह से, ज्यादा मोटी लेयर हमें नहीं रखनी है, थोड़ी पतली लेयर रखेंगे। ये देखिए इस तरह से जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ ना, बिल्कुल वैसे ही। और फ्रेंड्स मैं फिर से याद दिला दूँ, अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए और बेल आइकन को भी प्रेस करना, ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो आपने जैसे देखा वीडियो में, मैंने इसे कवर कर दिया था और कवर करके बस 1 मिनट से भी कम टाइम लगा इसे अच्छे से स्टीम होने के बाद, ये अच्छे से ड्राई हो गया ऊपर से। और जो हमने हमारी फिलिंग बनाई थी ना, अब उस फिलिंग को हम इसमें अच्छे से स्प्रेड कर देंगे, पूरे में पूरे को अच्छी तरह से कवर कर देंगे। और ये देखिए मज़ेदार सा लग रहा है ना, खूबसूरत सा। ये सच में इतना कलरफुल इतना टेस्टी नाश्ता बना था ना, मेरे बच्चों ने तो एकदम से चट करके खा गए और कहा कि अगले दिन भी यही बनना चाहिए। और ऊपर से फिर हम ये जो हमारा बैटर है ना, ये डालकर इसे भी हम कवर कर देंगे जो हमारी फिलिंग को, और इस बैटर से हम पूरा लॉक कर देंगे इस नाश्ते को अच्छी तरह से, इसके अंदर नीचे वाले बेस से अच्छे से फैलाते हुए इसे कवर करते हुए, हमारे नाश्ते की इस फिलिंग को भी कवर करते हुए। ये देखिए बिल्कुल ऐसा हो गया ना जैसे आलू भरे पराठे खाते हैं, बिल्कुल वैसा ही लगेगा ये खाने में, उससे भी ज़्यादा टेस्टी, बिना आटा गूंदे, आटे के बिना ही एकदम मज़ेदार। ये हमारा सूजी और बचे हुए चावलों से हमने ये नाश्ता बनाकर तैयार किया है। और ये देखिए ढक के कवर करके कुछ सेकंड के लिए रखेंगे ना, 20 से 30 सेकंड के लिए, तो ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा। ऊपर से हल्का सा ऑयल से इसे ग्रीस कर देंगे तो इसका ऊपर की लेयर भी अच्छी तरह से सिक जाएगी, ये बिल्कुल भी अंदर से कच्चा नहीं रहेगा। और इसे पकाने का तरीका पेशेंस रखना पड़ेगा, मीडियम फ्लेम पे ही इसे पकाना है, बिल्कुल भी हाई फ्लेम पे हम इसे नहीं पकाएंगे, नहीं तो ये ऊपर से तो हो जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो केयरफुली आराम से इसे पलट लेंगे और ये देखिए अंदर से इसका पीछे से कलर कितना खूबसूरत आया है, एकदम सुनहरी सुनहरी। तो फ्रेंड्स इसी तरह का ये नाश्ता हमें बनाना है, दोनों तरफ से अलट पलट करते हुए ऑयल से हल्का हल्का सा ग्रीस करते हुए इसे सेक लेंगे, कवर करके सेकेंगे मीडियम फ्लेम पे, तो ये बहुत अच्छे से पकेगा और सॉफ्ट भी रहेगा। खोलकर पकाएंगे खुला तो ये हो तो जाएगा, पक तो जाएगा, लेकिन है ना ड्राई हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। तो इसे कवर करके ही पकाएं और ताकि इसमें नमी बनी रहे, ये एकदम सॉफ्ट बना रहेगा। अच्छी तरह से सेकने के बाद ये देखिए हमारा नाश्ता तैयार हो गया। मैं एक और आपको बनाकर दिखा रही हूँ जल्दी से फटाफट से, ये देख लीजिए दूसरा भी इसी तरह से डालकर हम हमारा बैटर फैला लेंगे और इसे कवर करके कुछ सेकंड के लिए, 20 सेकंड के लिए रख देंगे। बस ये 20 सेकंड में ही आराम से हो जाएगा एकदम ड्राई, और ड्राई होने के बाद ऊपर की लेयर इस पर कवर कर देंगे। इस पर हम हमारा फिलिंग से इसे स्प्रेड करते हुए फिलिंग डालकर इसे ऊपर से बैटर से कवर कर देंगे और फिर से इसे ढककर 20 सेकंड के लिए छोड़ देंगे। और फिर 20 सेकंड बाद आप देखेंगे तो इसकी लेयर ऊपर से ड्राई हो जाएगी अच्छी तरह से, और फिर अलट पलट करते हुए ऑयल से ग्रीस करते हुए इसे अच्छी तरह से सुनहरी होने तक सेक लेंगे। और फ्रेंड्स मैं फिर से बता दूँ, इसे मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है, मीडियम फ्लेम पे ही ये बहुत मज़ेदार और नरम बनेगा। खोलकर आप पकाएंगे तो ये ड्राई हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, तो ढककर पेशेंस रखते हुए मीडियम फ्लेम पे इसे पकाएं। बहुत मज़ेदार टेस्टी टेस्टी नरम नरम हमारी ये सूजी चावल के आलू भरे वेजिस भरे पराठे कह लीजिए, चिल्ला कह लीजिए, जो आपको पसंद हो वो नाम आप दे सकते हैं। और ये देखिए हमारा नाश्ता लाजवाब सा नाश्ता बनकर तैयार है। एक एक ही खा लेंगे ना तो इससे एक से ही आपका पेट अच्छी तरह से भर जाएगा, क्योंकि सूजी है, राइस है, वेजिस है, और फिर ये डबल लेयर का बना हुआ है, तो ये बहुत हैवी भी है खाने में, तो एक से ही आपका पेट अच्छी तरह से भर जाएगा। ये इतना मज़ेदार सॉफ्ट नरम नरम हमारा नाश्ता बन गया है, ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल भी इसमें क्रैक्स
क्रैक्स नहीं आए और एकदम नरम नरम जैसे आलू भरे पराठे होते हैं बिना आटे के, हमने सूजी और बचे हुए चावलों से आप इसे पराठों का भी नाम दे सकते हैं, चिल्ले का भी नाम दे सकते हैं, जो आपको पसंद हो। और आपने क्या नाम इसका दिया है, क्या रखा है, वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। ये देखिए हमारे नाश्ते की लुक, इसकी लेयर और इसकी थिकनेस देख लीजिए, कितना अच्छा मज़ेदार सा हमारा ये नाश्ता बन गया है। फ्रेंड्स इसे चाय से आप इंजॉय कर सकते हैं क्योंकि इसमें वेजेस तो पहले से ही भरी हुई हैं, चाहे तो सॉस के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। बहुत मज़ेदार टेस्टी सा ये नाश्ता है। देखिए मैं आपको इसे पिज़्ज़ा कटर से कट करके पिज़्ज़े की शेप में दिखा रही हूँ। ये देखिए इसकी लेयरिंग अंदर से दिखाऊंगी, फीलिंग दिखाऊंगी। ये देखिए कितना खूबसूरत और टेस्टी लग रहा है, वेजेस से भरपूर, खाएंगे तो खाते ही रह जाएंगे, इतना टेस्टी लगा है ये। बहुत मज़ेदार सा हमारा नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। तो बचे हुए चावल आगे से फेंकना बंद, बचे हुए चावलों का इस तरह से यूज़ कीजिए। नई रेसिपी, नया नाश्ता बनाकर आगे रखिए सबके, बच्चों के, हस्बैंड के, और देखिएगा आपकी प्लेट एकदम से साफ हो जाएगी, इतना मज़ेदार ये नाश्ता बना है। तो बस फ्रेंड्स आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, और नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ फिर किसी रेसिपी में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, इंजॉय।